दोस्तों, अक्सर हम आपके लिए फिल्मी दुनिया के सितारों की अनसुनी रहस्यों को लेकर आते हैं और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ भी स्थायी नहीं है। वहां आने वाले हर छोटे बड़े कलाकार कभी फर्श से अर्श पर चले जाते हैं तो कभी अर्श से फर्श पर चले आते हैं। आज हम जिस फिल्मी सितारे की बात करने वाले हैं उसको हर कोई जानता होगा, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि किस प्रकार उसने अपने उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्मी जगत में खुद को जमा कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार के बारे में। वही अक्षय कुमार जिसे खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की पहली फिल्म में ही दर्शकों के बीच धमाल मचाया, लेकिन उसके बाद उनकी आने वाली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती गई। लेकिन उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा और अपने नए अंदाज में फिर दर्शकों के बीच आकर लोकप्रियता बटोरी। वो लोगों के बीच एक मंझे हुए अभिनेता और हास्य अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर, पंजाब में एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनका वास्तविक नाम राजीव ओम भाटिया है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई डॉन बॉस्को हाई स्कूल मिरिक दार्जिलिंग से पूरा किया। उनका पालन पोषण पुरानी दिल्ली में हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद उनका परिवार मुंबई में आ गया और मुंबई के कोलीवाड़ा में रहने लगा। उन्होंने आगे की पढ़ाई गुरु नानक खालसा कॉलेज किंग सर्कल मुंबई से पूरा किया। बचपन से ही उनका अभिनय और फिटनेस के प्रति लगाव रहा। उनके पिता काफी सहयोगी थे, इसलिए उन्होंने उनको मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के लिए बैंकॉक भेज दिया, लेकिन उन्होंने उनको एक शर्त पूरा करने के बाद भेजा था। उनका शर्त यह था कि अगर अक्षय बोर्ड एग्जाम में प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त करेंगे तो उनको मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के लिए बैंकॉक भेज दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने अपने पिता की शर्त को पूरा किया और बोर्ड एग्जाम में वो 63% मार्क्स लाकर बैंकॉक की टिकट ले लिया। वहां उनके चाचा मेट्रो गेस्ट हाउस में वेटर का काम करते थे, जहां उन्हें 1500 रुपये पारितोषक मिलता था। उन्होंने वहां खाना बनाने का काम किया, साथ ही मार्शल आर्ट भी सीखा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने कई छोटे बड़े काम किए, जैसे कोलकाता स्थित एक ट्रैवल एजेंसी में उन्होंने करीब 1.5 साल तक चपरासी का काम किया। अपने दोस्तों के सुझाव पर उन्होंने मॉडलिंग में अपना किस्मत को आजमाया और वहां उन्हें सफलता मिली। अपने नाम को बदलकर उन्होंने अक्षय कुमार कर लिया। उन्होंने एक फिल्म से प्रेरित होकर अपना नाम बदला। उनकी फेवरेट अभिनेत्री उस फिल्म में अभिनेता को अक्षय नाम से बुलाती थी। 90 के दशक में राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नामक एक फिल्म बनाई, जिसमें उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। जब अक्षय को ये बात पता चली तब वो ऑडिशन देने के लिए उनके ऑफिस पहुंच गए। 4 घंटे इंतजार करने के बावजूद वो उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। आखिरकार उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल ही गया और उन्होंने उस मौके को हाथों हाथ लपका। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1951 में फिल्म सौगंध से किया। उस फिल्म में उन्होंने बतौर अभिनेता मुख्य भूमिका निभाई थी। वो फिल्म उनके करियर की पहली फिल्म थी और उनकी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। दर्शकों ने एक नए हीरो के तौर पर उन्हें पसंद किया। उस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से वो अपनी पहली फिल्म से ही दर्शकों के बीच अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। अपनी पहली फिल्म के चलते उन्हें और भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 1992 में बैक टू बैक उन्होंने 4 फिल्मों में काम किया, जिसमें से उनकी दूसरी और तीसरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसका शीर्षक था डांसर और मिस्टर बॉन्ड। डांसर में उन्होंने राजू राजा की भूमिका निभाई थी और मिस्टर बॉन्ड में खुद मिस्टर बॉन्ड की भूमिका निभाई। लेकिन उसी साल 1992 में उन्होंने अपनी चौथी फिल्म से दोबारा अपने अभिनय की धाक जमाई। उस फिल्म का नाम था खिलाड़ी, जिसमें उन्होंने राज मल्होत्रा की मुख्य भूमिका निभाई। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। उसके बाद अपनी 5वीं फिल्म दीदार में वो आनंद मल्होत्रा के किरदार में नजर आए, लेकिन वो उनकी पिछली फिल्म के मुकाबले ज्यादा सफल नहीं हुई। इस तरह उन्हें फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही उतार चढ़ाव देखने को मिला और उन्होंने आगे कई हिट फिल्में दी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। फिल्म फूल और कांटे के लिए वो निर्देशक की पहली पसंद थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी तारीखें दीदार को दे रखी थी, इसलिए फूल और कांटे फिल्म अभिनेता अजय देवगन के पास चली गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसका कारण ये है कि उनकी खिलाड़ी शीर्षक की 8 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं।
उन्होंने 8 के 8 फिल्मों में जबरदस्त अभिनय किया है। उनकी वो 8 फिल्मों के शीर्षक कुछ इस प्रकार हैं: खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, खिलाड़ी 420 और खिलाड़ी 786। फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में शूटिंग के दौरान 350 पाउंड वजन उठाते हुए उनकी गर्दन में चोट आ गई थी, जिसमें ब्रेन ली नामक व्यक्ति ने WWE के मशहूर रेसलर अंडरटेकर की भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर के 3 दशकों में 8 बार विजय और 7 बार अजय की भूमिका निभाई है। साल 1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में उन्होंने एक मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। उन्हें लोग एक हास्य अभिनेता के तौर पर भी काफी पसंद करते हैं। बतौर हास्य अभिनेता उनकी हास्य फिल्मों में से हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भागम भाग, हाउसफुल, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3, शिंग इज ब्लिंग फिल्में शामिल हैं। उन्होंने कुछ ड्रामा फिल्मों में भी अभिनय किया है, जैसे एक रिश्ता, आंखें, बेवफा और वक्त। उन्होंने एक पंजाबी भजन निर्गुण राख लिया, संतन का सत्कार किया में अपनी आवाज दी है और उस भजन से एकत्रित धनराशि को 26/11 मुंबई बम धमाकों के पीड़ितों को दान कर दिया था। उन्होंने कुछ हाल ही की फिल्मों में काम किया है, जैसे रक्षाबंधन, राम सेतु। उन्होंने करीब 145 से अधिक फिल्मों में काम किया है और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो वो विवाहित है। उन्होंने 17 जनवरी 2001 में मशहूर अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से शादी किया। ट्विंकल खन्ना भी 90 के दशक में एक जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। वो मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना और अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी हैं। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम आरव है और उसका जन्म 15 सितंबर 2002 को हुआ। बेटी का नाम नितारा है। उनके पिता का नाम हरिओम भाटिया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी माता का नाम अरुणा भाटिया है। उनकी एक बहन है जिनका नाम अलका भाटिया है। इनकी शादी बिजनेसमैन सुरेंद्र हीरानंदानी से हुई है। फिल्मों के दौरान अक्षय की कुछ अभिनेत्रियों के साथ अफेयर्स के मामले भी सामने आए थे, जिनमें से 3 अभिनेत्रियों के साथ साथ उनके अफेयर्स सामने आए हैं, जैसे पूजा बत्रा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी। वो बॉलीवुड में सबसे अनुशासित और योग्यतम अभिनेताओं में गिने जाते हैं। वो समय के बहुत पाबंद हैं, जैसे कि सुबह 4:30 बजे उठना, 1 घंटा तैराकी, 1 घंटा मार्शल आर्ट्स, 1 घंटा योग साधना और स्ट्रेचिंग अभ्यास करना। साल 2008 में विंडसर यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए मानद डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया था। फिल्मों में दमदार अभिनय के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साल 2009 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे राष्ट्रीय सम्मान, एशिया पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, आईफा पुरस्कार, बॉलीवुड मूवी अवार्ड, ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड, जी सिने पुरस्कार जैसे कई अन्य पुरस्कार। उन्हें कुल 48 फिल्म अवार्ड्स मिले हैं। दोस्तों, उन्होंने फिल्मों में अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है और दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लोग उन्हें 90 के दशक से पसंद करते आए हैं और आज भी उनके अभिनय की वजह से वो लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हैं। उम्मीद है कि आगे भी वो अपने अभिनय से लोगों को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। आशा है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।